अभी पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा वो लगातार छापेमारी की रही कर रही है और आज हम लोग अभी एक कुर्की की कार्रवाई बुलडोजर। इस मामले में कुल कितने आरोपी और कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो मुजफ्फरपुर में रेप मर्डर के आरोपी के घर पे चलल बुलडोजर, घर के हो गई कुर्की जब्ती। जी हाँ, यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी अंग्रेजी में कहावत बा कि देन एंड देयर कार्रवाई भई पड़ती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीतल दिन एगो नाबालिग लड़की के साथ ऐसन मामला आइल रहे जेकरा के सुन के सब शर्मसार हो गए रहे। गाँव ही के एगो व्यक्ति पो हैवानियत के साथ मुआवे के आरोप लागल रहे। हालांकि घटना के बाद से ही आरोपी फरार चलत रहे, जेकरा बाद पुलिस महज एक सप्ताह के अंदर आरोपी के घर एक कुर्की जब्ती करे पहुंच गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी के भारी संख्या में कार्यकर्ता दिखलन जवन आरोपी के गिरफ्तारी के मांग करत रहन। रउरा सबके बता दी कि मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में एगो नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी या हत्या करे के मामला सामने आयल रहे। बतावल गई कि बीतल 11 अगस्त के महादलित नाबालिग किशोरी के मुअल देह तालाब से संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हो रहे, जरा देह पो धारदार हथियार से हमला भी कर गिर रहे। मुँह वाला के शरीर पर कई गो जख्म के निशान पावल गिर रहे। वही घटनास्थल पर FSL के टीम और डॉग स्क्वाड के टीम भी पहुंचल रहे। SSP भी घटनास्थल पर पहुंच के जाँच पड़ताल कैल रहे। वही गाँव ही के संजय राय पर आरोप बा कि वो अपना कुछ साथी के साथ रात के अंधेरा में किशोरी के घर से उठैलन, फिर हैवानियत के हद पार कर दिलन। वही घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा बढ़न। एह मामला में पुलिस कार्रवाई तेज कर दिले बिया। कोर्ट के आदेश पर 16 अगस्त के आरोपी के घरे डुगडुगी बजा के इश्तहार छिपकावल गई आ एक बाद 17 अगस्त के आरोपी सरेंडर निखे करत तो उनकर सब चल अचल संपत्ति के जब्त करे के बात कहल गई। लेकिन 17 अगस्त तक आरोपी संजय सरेंडर ना कैलन, जरा बाद पुलिस आरोपी के घर पर बुलडोजर लेके कुर्की जब्ती के कार्रवाई करे पहुँच गई। हालांकि पुलिस के दौरान लोग के आक्रोश के भी सामना करे के पड़ल। वही जे बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचलन जहां आरोपी के गिरफ्तारी खातिर नारेबाजी भी कैलन। बता दी कि यह मामला में पुलिस आरोपी संजय राय के एगो साथी के गिरफ्तार कैले बिया, साथे साथ एगो बोलेरो भी जब्त कैले बिया। बतावल गई कि वो आरोपी के यही गाड़ी से भगावे में मदद कैले रहा। कहल गई बटुए कि कानून के हाथ बहुत लंबा होला, एक न एक दिन ठेला ही के बटुए। बयान सुनी शेयर करी। पारू थाना अंतर्गत कांड दर्ज हुआ था, 274/24 कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़की का हत्या का मामला था। उसका जो अभियुक्त हैं संजय यादव, वो पुलिस के गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं उनका गिरफ्तारी हुआ है और माननीय न्यायालय से इश्तिहार लेकर के तामिला करा गया और आज माननीय न्यायालय से कुर्की लेकर के हमने आज हम लोगों ने कुर्की की कार्रवाई किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से SIT टीम का गठन किया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा वो लगातार छापेमारी की रही कर रही है और आज हम लोग अभी एक कुर्की की कार्रवाई बुलडोजर। इस मामले में कुल कितने आरोपी और कितने की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम संजय यादव है, जिनके घर की आज कुर्की की गई, वो अभी फरार हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बुलडोजर भी JCB भी चला है क्या सर? वो कुछ प्रोसेस होती है जो करने के लिए कुर्की के लिए जो जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई और कुर्की आज की गई। आगे फिर किस तरह की अभी तो आरोपी सरेंडर किया नहीं? अभी भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कुर्की एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जो की गई। इसके अलावा भी अगर फरार हैं तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और यदि हम लोग गिरफ्तार टोटल से 6